माय लवली फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सबके? सब बढ़िया होंगे। तो अब हम कंपेयर करेंगे आज रेनो कैप्चर और हिंडई क्रेटा के वेरिएंट्स के बीच में कि कौन से प्राइस में कंपनी का कौन सा वेरिएंट आता है और आपको क्या फीचर देते हैं। आज मैं तीन वेरिएंट्स कंपेयर करूंगा, डीजल के तीन और क्रेटा के तीन वेरियंट्स होंगे और कैप्चर के तीन वेरियंट्स होंगे। सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा रेनो के RXE स्टार्टिंग मॉडल को विद क्रेटा 1.4 लीटर CRDI S वेरिएंट। दोनों का प्राइस 11.4 लाख है, एक्चुअल प्राइसेस है। एक में आपको क्रेटा में 1400 सीसी का इंजन मिलेगा विच गिव्स यू 88 हॉर्स पावर एंड 220 Nm ऑफ टॉर्क। अदर साइड आपको रेनो में 1500 सीसी का मिलेगा इंजन विच गिव्स यू 108 BHP एंड 240 Nm ऑफ टॉर्क। सबसे पहले मैं क्रेटा के फीचर्स की बात करूंगा। क्रेटा में आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगी, पावर विंडोज मिलेगी, फ्रंट बैक में एसएसडी सॉकेट मिलेगा, रियर सीट हेडरेस्ट मिलेगा, रियर सीट आर्मरेस्ट मिलेगा, कप होल्डर्स मिलेंगे आपको फ्रंट रियर में, रियर एसी वेंट मिलेंगे, मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी, फॉग लाइट्स मिलेगी, एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड मिलेंगे, विंडो रियर डिफॉगर मिलेगा आपको, और आपको एक छोटा सा टच स्क्रीन CD प्लेयर मिलेगा विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जिसके कंट्रोल्स आपके स्टेयरिंग व्हील में होंगे, सो यू कैन कनेक्ट योर फोन बाय ब्लूटूथ टू द डिवाइस। ये फीचर्स होंगे 1.4 लीटर के S वेरिएंट्स के क्रेटा के। अब मैं RXE की बात करता हूँ रेनो के कैप्चर में, जिसमें आपको मिलेंगे पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, और इसमें आपको एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो होगा ऑटो AC होगा, एसेसरी सॉकेट, रियर में आपको रीडिंग लैंप मिलेंगे, बाकी सेम होगा रियर हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स फ्रंट बैग में, AC वेंट्स, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील। अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो आपको CRDI S में सेफ्टी के लिए जो मिलता था आपको दो एयरबैग ABS EBD ब्रेक्स मिलेंगे, बट कैप्चर में आपको ABS EBD ब्रेक्स विद ब्रेक असिस्ट मिलेंगे एंड दो एयरबैग्स के साथ आएंगे। इसमें भी आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी, पावर एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर मिलेगा, और इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे वाइपर वॉशर डिफोगर। उसमें आपको सिर्फ डिफोगर मिला, इसमें आपको वाइपर वॉशर भी मिलेंगे। इसमें आपको क्रोम ग्रिल मिलेगी और आपको एक DRL लाइट्स मिलेगी विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प। तो जैसे कि आपने देखा सेम प्राइस है दोनों गाड़ियों का, बट आपको कैप्चर में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। DRL लाइट्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं आपको इस गाड़ी में। इसमें आपको ऑटोमेटिक AC का फंक्शन मिल रहा है, इसमें आपको ब्रेक असिस्ट मिल रहा है सेफ्टी के लिए, इसमें आपको पीछे वाइपर वॉशर डिफोगर मिलता है। बाकी सारे फीचर्स सेम होंगे, जैसे टर्न इंडिकेटर्स ऑन साइड मिरर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड साइड मिरर्स, एक्सटीरियर के, वो सब सेम फीचर होंगे। तो दीज आर द फीचर विच यू गेट इन दीज टू वेरियंट्स। उसके बाद मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ RXT वेरियंट और क्रेटा का 1.6 लीटर में SX प्लस वेरियंट को। अब इसमें आपको 1600 सीसी का इंजन आ जाएगा विच गिव्स यू 121 हॉर्स पावर एंड 260 Nm ऑफ टॉर्क, और रेनो का वही सेम डीजल इंजन रहेगा। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो RXT की एक्चुअल प्राइस है 13.11 लाख, और अगर मैं आपको SX प्लस की बात करूँ तो 13.54 लाख शोरूम प्राइस मिलेगा। इसमें अब क्या एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे जो मैंने लास्ट मॉडल डिस्कस किया उनसे मैं सीधा बताऊंगा कि क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। SX प्लस में आपको ऑटो AC मिलेगा, फोल्डिंग साइड मिरर्स होंगे उसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड थे, यहाँ आपको फोल्डे मिलेंगे, वाइपर वॉशर मिलेगा, अलॉय व्हील्स मिलेंगे, क्रोम ग्रिल मिलेगी, गार्निश मिलेगी, क्रोम गार्निश, पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, नेविगेशन इनबिल्ट आएगा आपको टच स्क्रीन के अंदर, पुश बटन स्टार्ट का फीचर मिलेगा। और RXT के रेनो के कैप्चर वेरिएंट्स में आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, मैं उसकी बात करता हूँ। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा मिलेगा, पार्किंग सेंसर आएंगे, नेविगेशन आएगा, इसमें आपको स्मार्ट एक्सेस कार्ड मिलेगी जो मैंने आपको रिव्यू में रेनो कैप्चर के रिव्यू में दिखाई थी वो मिलेगी, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा उसके साथ आपको, आपको इसमें कूल ग्लव बॉक्स मिलेगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर होंगे, ऑटो हेडलैम्प्स मिलेंगे, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे। इसमें आपको 17 इंच के ग्लोव्स मिलेंगे और क्रेटा में आपको 16 इंच के ग्लोव्स मिलेंगे। इसमें आपको iOS वॉइस कमांड्स होगा, वॉइस कमांड चलेगी, आईफोन के फोन्स ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा एक इको मोड मिलेगा और जो साइड मिरर्स होंगे वो फोल्डिंग मिलेंगे, लास्ट में इलेक्ट्रिकल इसमें आपको फोल्डेबल कार। अब जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि दोनों वेरियंट्स के प्राइसेस में लगभग 43,000 का डिफरेंस है, रेनो कैप्चर स्टिल प्रोवाइडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ फीचर्स लाइक क्रूज कंट्रोल्स, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, एक इको मोड भी दे रही है आपको, एंड इट गिव्स यू कूल ग्लव वॉक, स्मार्ट एक्सेस कार्ड दे रही है, नेविगेशन सिस्टम दे रही है, वॉइस कमांड्स दे रही है, एज इन द केस इन क्रेटा आपको कुछ नहीं मिल रहा एंड स्टिल द प्राइसेस आर सो हाई इन क्रेटा। नाउ वी गोना कंपेयर द टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट ऑफ रेनो कैप्चर प्लेटाइन वेरियंट विच कॉस्ट अराउंड 14.7 लैक्स, और हम क्रेटा के
एसेक्स ऑप्शन वेरिएंट की साथ कंपेयरेंगे, विच कम्स विद द सेम प्राइस ऑफ 14.6 लाख। इसके बाद क्रेटा का ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आएगा, बट हम उसको कंपेयर नहीं करें बिकॉज हम प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। सो प्लेटाइन और एसेक्स ऑप्शन का सेम प्राइस है 14.6 एंड 14.7। सो हम कंपेयर करेंगे उनमें आपको क्या एक्स्ट्रा गुडीज मिलेगी। अगर मैं गुडीज की बात करूँ तो सबसे पहले क्रेटा में अब आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू द 2 एयरबैग्स, और आपको 16 इंच की बजाय 17 इंच ऑफ अलॉय व्हील्स मिलेंगे। बस यही एक्स्ट्रा फीचर्स आएंगे। और एज इन द केस विद प्लेटाइन वेरियंट्स, प्लेटाइन वेरियंट में आपको एक्स्ट्रा मिलेगा हिल असिस्ट का फंक्शन मिलेगा, एक्स्ट्रा रियर कैमरा मिलेगा, फ्लोटिंग एलईडी लाइट्स मिलेंगी, फॉग लैम्प्स मिलेंगे, 6 एयरबैग्स मिलेंगे, लेदर सीट्स मिलेंगी और कॉर्नरिंग हेडलाइट्स मिलेंगे आपको, मिलेंगे एक्स्ट्रा कैप्चर में। एंड एसएक्स ऑप्शन में 6 एयरबैग्स, 17 इंच अलॉय व्हील्स और लेदर सीट्स, लेदर अप स्टेयरिंग आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एसएक्स प्लस और एसएक्स ऑप्शन में आपको लगभग 50,000 का फ़र्क है। 50,000 में आपको अलॉय साइज ज़्यादा मिल रहा और यू विल गेट अ लेदर सीट्स एंड अ 6 एयरबैग्स। वेदर इन द केस विद RXT और प्लेटाइन वेरियंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है प्राइस का, बट एज कम्पेयर टू द क्रेटा इस गाड़ी में आपको स्टिल यू गेट सो मेनी फीचर्स। जैसे कि अब आपको प्लेटाइन वेरियंट में प्लेटाइन की बैजिंग मिलेगी, रेड स्टिचिंग मिलेगी लेदर की आपको, और जो AC के नॉब्स की कोटिंग होगी साइड में वो गोल्ड कलर में आएगी। ऐसी छोटी मोटी गुडीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, LED रीडिंग लैंप्स मिलेंगे। सो ये तो मैंने मेन मेन फीचर डिस्क, और आपको छोटी मोटी काफ़ी गुडीज़ मिलेगी प्लेटाइन वेरियंट में एज कम्पेयर टू द क्रेटा। सो फ्रेंड्स, आपके सामने है कि वैल्यू फॉर मनी पैकेज कैप्चर है, कैप्चर मार्केट में नहीं है। चाहे डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन इसका काफ़ी सुंदर है एज़ कम्पेयर टू द क्रिएटा। सो दोस्तों, अब आपके सामने है कि कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। इफ़ वी कंपेयर क्रिएटा वर्सेस कैप्चर, कैप्चर एक नई गाड़ी है, नया फ्रेश डिज़ाइन है, फ्रेश लुक्स है, काफ़ी लेटेस्ट फीचर्स के साथ आती है एज़ कम्पेयर टू द क्रिएटा। क्रिएटा में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स भी नहीं है, स्टिल द प्राइजिंग इज़ ऑन द हायर साइड। सो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से कैप्चर इज़ द गुड बाय। हर एक वेरियंट फुली लोडेड आता है, चाहे हम उसके बेस मॉडल की बात करें, बेस मॉडल भी जैसे मैंने RXE के फीचर्स आपको बताए, सारे फीचर्स उन्होंने RXE में दे रखे हैं। काफ़ी हद तक उन्होंने फीचर लोडेड गाड़ी बनाई है, कोई भी वेरिएंट उन्होंने ऐसे नहीं छोड़ा है जिसमें आपको कम फीचर्स लगे कि फीचर्स कम है। सो माई वोट गो फॉर कैप्चर, बिकॉज कैप्चर इज़ अ वैल्यू फॉर मनी। यू स्पेंड लेस मनी एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा फ्रॉम द कार एज वी कंपेयर इट विद क्रेटा। क्रेटा की प्राइसिंग हाई है, फीचर्स भी ज़्यादा नहीं है। वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, जब ऑटो एक्सपो में शायद ह्यूंडई क्रेटा का फेस लिफ्टेड वर्जन और काफ़ी फीचर्स एड ऑन्स करेंगे। अगर आप क्रेटा के दीवाने हो, क्रेटा ही लेना पसंद कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, सो मैं उनको ये कहूँगा कि आप वेट कीजिए नेक्स्ट ईयर ऑटो एक्सपो का, क्योंकि वहाँ पे उसका फेस लिफ्टेड आएगा शायद। अगर अभी चाहते हो, अभी गाड़ी लेना चाहते हो, इन दोनों में से कंफ्यूज हो, देन द कैप्चर इज़ फॉर यू। कैप्चर एक गुड कार है, वैल्यू फॉर मनी है, हर वेरिएंट को अच्छे तरीके से फीचर पैक्ड किया गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, नीचे कमेंट करके बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टे हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। रोस्टर गुरु साइनिंग ऑफ। जय बजरंग बली।